हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज इस चैप्टर को एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करेंगे। चैनल पे सोशल साइंस और साइंस से भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक से आप उन्हें भी देख सकते हैं ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेस अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म आते हैं। देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिसने भी इस चैप्टर की प्रीवियस पार्ट नहीं देखी है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि एनर्जी और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे आसपास किस तरह से अवेलेबल हैं, कैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर से ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जियोलॉजिस्ट जियोग्राफर्स क्या होते हैं, मिनरल्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी जिसमें हमने फेरस नॉन फेरस मिनरल्स सारी चीजें देखी, मेटालिक नॉन मेटालिक ये सारे मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ा जैसे कॉपर मैग्नीज, और ये देखा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैप्स के थ्रू हमने इनको प्लॉट किया, हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये इंडिया में किस किस स्टेट में कहाँ पाए जाते हैं और किस क्वालिटी में वो उस पर्टिकुलर स्टेट में मिलते हैं। बॉक्साइट हमने पढ़ा, एल्युमिनियम हमने पढ़ा, रॉक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में जाना, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग के बारे में भी जाना कि कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होती है माइनिंग के थ्रू। कंजर्वेशन देखा कि मिनरल्स का कंजर्व करना क्यों जरूरी है, किस तरह से जो इनका अमाउंट है वो डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर नहीं बचेंगे, तो किस तरह से हमें इन्हें सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए। उसके बाद हमने एनर्जी रिसोर्सेज देखे जिसमें हमने कोल पढ़ा। कोल की हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन देखी कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तीन टाइप के जो कोल है वो हमने देखे, उनकी लोकेशन देखे कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस क्वालिटी का वो कोल प्रेजेंट है। माइंस देखी हमने, कोल माइंस कहाँ पर है, पेट्रोल माइंस कहाँ पर है, गैस पाइपलाइंस देखी हमने, कोल फील्ड देखी हमने, मैप्स के थ्रू ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में जो कि एक अनदर एनर्जी रिसोर्स है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोल और मिनरल ऑयल। नेक्स्ट मेजर रिसोर्स है कोल के बाद इंडिया में। कोल से हमें मिलता है फ्यूल, हीट, लाइटनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स जो कि मशीन्स को चलाने में यूज किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती है वो नोडल इंडस्ट्री है जिसके ऊपर वेरियस इंडस्ट्रीज वेरियस मशीनरीज का डिपेंडेंसी होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी नोडल इंडस्ट्री है सिंथेटिक्स टेक्सटाइल्स की, फर्टिलाइजर्स की और जो ह्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज है उनका। मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोलियम की अकरेंस है इंडिया में टर्शियरी एज से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। पेट्रोलियम कैसे बनता है और उसको कैसे माइंड किया जाता है ये सारी चीजें हमने साइंस के चैप्टर्स में पढ़ी है जिसमें हमने ब्लास्ट फर्नेस का वर्क भी देखा था। आप वो सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हैं। जब ओशन फ्लोर के जो ओशन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जब वो ओशन फ्लोर के डेप्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रह जाते हैं, फिर उनके ऊपर जो प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो उसके बाद ये पेट्रोल का रूप ले लेते हैं, पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे यही लिखा है रीजंस ऑफ फोल्डिंग एंडिंग लाइंस और डोल वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रस्ट ऑफ अपफोल्ड द ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन। जिस लेयर से ये ऑयल निकाला जाता है जहाँ से ये पाया जाता है वहाँ कैसे प्रेजेंट हुआ कि जब भी कोई अर्थक्वेक आया या फिर जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है उनके फोल्डिंग्स में जब ये फॉसिल फ्यूल्स दब जाते हैं उससे ये पेट्रोल बनता है। ये जो ऑयल बेयरिंग लेयर्स होती है जहाँ से ऑयल निकलता है जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होता है वो लेयर्स पोरस होती है, लाइमस्टोन होता है वहाँ पे सैंडस्टोन होता है जिससे ये ऑयल फ्लो हो जाता है। ऑयल प्रिवेंट करता है राइज और सिंक होने से उन नॉन पोरस लेयर्स को, नॉन पोरस मतलब जिसमें खाली स्पेस नहीं है। पेट्रोलियम और भी जगह मिलता है और भी फॉल्ट ट्रैप्स मिलता है जो कि पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में जो फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं वहां पर पेट्रोल मिलता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल, तो ऑयल के ऊपर सबसे पहले हमें गैस मिलती है क्योंकि वो पेट्रोल से लाइट होती है। मुंबई, हाई, गुजरात, असम ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज हैं इंडिया में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि तीन मेजर ऑफशोर फील्ड्स को वेस्टर्न इंडिया में जो है आपको लोकेट करना है। अंकलेश्वर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड है जो गुजरात में है। असम एक ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। डिगबोई, नाहरहाटिया और मोरन हुगरीजन इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स है इस स्टेट की। और कहाँ पे मिलते हैं ऑयल फील्ड, असम में। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब सरफेस पे ऑयल होता है तो इसके ऊपर हमें क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। जहां पर आपको ऑयल मिलेगा ऑयल से पहले आपको गैस मिलेगी। डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। पावर सेक्टर्स में इस फ्यूल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। हीटिंग पर्पस के लिए इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल की तरह इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल और कुकिंग फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे जैसे इस गैस का एक्सपेंशन होता जा रहा है उसी के हिसाब से इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बनाए जा रहे हैं। नेचुरल गैस ऑल्सो एमर्ज एज अ प्रेफर्ड
फ्यूल सीएनजी की तरह हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट में, पीएनजी की तरह हम कुकिंग फ्यूल्स घर में यूज करते हैं इसे। इंडिया में जो मेजर गैस रिजर्व है वो मुंबई में मिलते हैं और अलाइड फील्ड हमें मिलती है वेस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पे कैम्बे बेसिन में हमें रिजर्व मिलते हैं। ईस्ट कोस्ट न्यू रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ईस्टर्न कोस्ट में नेचुरल गैस रिजर्व वहाँ पर डिस्कवर हुआ। 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन बनाई है और किसके थ्रू, गेल के थ्रू, ये इंडिया में बनी है, जिससे इस गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह में। बेसिन गैस फिल्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ये गैस पाइपलाइन लिंक की गई है वेस्टर्न बेसिन से नॉर्दर्न इंडिया तक, ताकि वहां पर भी नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी हो सके, उसे फर्टिलाइजर पावर स्टेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जा सके। जो इंडिया का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड हो चुका है 10 times फ्रॉम 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर तक ये एक्सपेंड हो चुका है पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इस गैस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और 34,000 किलोमीटर गैस ग्रिड बाय लिंकिंग ऑल गैस सोर्सेज अंडर कंज्यूमिंग मार्केट अक्रॉस द इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी यहाँ पे कवर किया गया है गैस पाइपलाइन के थ्रू, वहाँ पे भी इस लिंकिंग प्रोजेक्ट को पाइपलाइंस को वहाँ पे पहुंचाया जा रहा है और जल्दी ही ये 34,000 किलोमीटर तक ये एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट आज के टाइम में मॉडर्न इरा में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का वाइड यूज हो रहा है, वाइडली इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा रहा है, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे आज डिपेंडेंट हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम 24 घंटे काम कर पाते हैं। इस पर कैपिटा कंजप्शन जो है कंसिडर्ड होता है एज इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में। मेनली दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, पहला है हाइड्रो टर्बाइन जिसमें वाटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बर्निंग फ्यूल्स कोल और पेट्रोल और नेचुरल गैस से भी टर्बाइन्स को चलाकर और जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट होती है वो एग्जैक्टली सेम ही होती है। आगे देखते हैं कुछ ऐसे रिवर वैलीज के आपको यहाँ पे नाम बताने हैं जिसके ऊपर डैम्स को बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये चीजें, ये रिवर्स के ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं, तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में और इन थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से डैम से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो ये आप प्रीवियस चैप्टर से देख सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस से आप देख सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से जो बनाई जा रही है वो कैसे बनती है, जब पानी बहुत फास्ट फ्लो कर रहा होता है उस वक्त ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लोइंग वाटर से बनाई जाती है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया में प्रेजेंट है, जैसे कि भाखड़ा नगर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइड्रल प्रोजेक्ट जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। थर्मल पावर स्टेशन जो एनर्जी बना रही है वो नॉन रिन्यूएबल है, वो फॉसिल फ्यूल से बन रही है, जिससे कि एक बार अगर ये फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएंगे, उनको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं करना चाहिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहिए क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्स है, बट उसे भी हमें वेस्ट नहीं करना, सस्टेनेबल वे में ही उसे यूज करना है। आगे देखते हैं तो किस स्टेट में कौन सा पावर प्लांट मिलता है, ये आप इस मैप में देखेंगे और इस मैप को प्लॉट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें, सारी जगह याद हो सके कि इंडिया में ये एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें कालपक्कम में न्यूक्लियर प्लांट है, कायगा में न्यूक्लियर प्लांट है, नरोरा में, रावतभाटा में, तो यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्ट करनी इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्मल और हाइड्रल पावर प्लांट्स के बारे में जो आपके स्टेट में बने हुए हैं और उन्हें आप मैप में प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है, कौन से सोर्सेज होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के। जो ग्रोइंग कंजप्शन है एनर्जी का वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है वो बढ़ते जा रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, जैसे कि कोल, ऑयल और गैस। इतना ज्यादा इनका कंजप्शन हो रहा है और ये लिमिटेड अमाउंट में है तो इनका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। ऑयल, गैस, इनका जो पोटेंशियल शॉर्टेज होता जा रहा है वो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को राइज करेगा, जिससे सीरियस प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इवन मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है सारी ही इंडस्ट्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे, फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंडेंट होती है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मोर ओवर इंक्रीजिंग जो यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, उससे बहुत सारी सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी कॉज हो रही है। इन सबको कंजर्व करने के लिए हमें वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए,
जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सोलर एनर्जी और विंड और टाइड और बायोमास एनर्जी जो है उसे हमें वेस्ट मटेरियल से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनानी चाहिए ताकि ये एनर्जी बार बार रिन्यू हो सके और हम इसको फ्यूचर जनरेशन तक यूज कर सके। इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इंडिया ब्लेस्ड है, बहुत अबंडेंस अमाउंट में यहाँ पे सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास है जिससे हम इस एनर्जी को बना सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे डेवलपमेंट के किए जा रहे हैं जिससे एनर्जी रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बना सके, जनरेट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन होती है जो एटम्स के स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उससे ये एनर्जी ऑब्टेन होती है। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जब एटम्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा होता है तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने। यूरेनियम थोरियम रिसोर्स जो है वो झारखंड में अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में प्रेजेंट है जहां पर इनको यूज किया जा रहा है एनर्जी बनाने में। केरला की जो मोनाजाइट सैंड है वो भी बहुत रिच है थोरियम में। तो आपको 6 ऐसे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को लोकेट करना है और स्टेट्स में उनको लोकेट करके देखना है, उनके मैप में उनको लोकेशन देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे सोलर एनर्जी। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया कहाँ प्रेजेंट है, ट्रॉपिक्स में, जहाँ पर इनॉर्मस वे में सोलर एनर्जी मिलती है, जहाँ पे सन रेज प्रॉपर अमाउंट में आती है। इन सोलर रेज को टैप किया जाता है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी पॉपुलर है रूरल और रिमोट एरियाज में, ये बड़े बड़े विंडमिल्स लगाए जाते हैं। ये नागरकोल का इमेज है जहाँ पर ये बड़े बड़े विंडमिल्स लगाए हुए हैं। कुछ बड़े बड़े जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और जो आसपास के रिमोट एरियाज हैं उनकी डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है एनर्जी के लिए, चाहे वो फायरवुड हो चाहे डंकेक्स के लिए हो, जिससे कि एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कंट्रीब्यूट हो रहा है। एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर, जिससे कि जो डंग केज को यूज किया जा रहा था खाना पकाने में अब वो एज अ मैन्योर एग्रीकल्चर में यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है जो नए सोलर पावर प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश किए गए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं विंड पावर। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, लार्जेस्ट विंड फार्म यहाँ पे बनाए गए हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु में, नागरकोल में, मदुरई में। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स बनाए गए हैं। नागरकोल और जैसलमेर वेल नॉन है जहां पर इफेक्टिव यूज किया जा रहा है इन विंडमिल्स का, जहां पे कंट्री के लिए विंड एनर्जी वहां पे बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं बायोगैस। शेड्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, इन सभी वेस्ट को यूज किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन में। जो डोमेस्टिक कंजप्शन है रूरल एरियाज में वहां पर मेजरली यूज हो रहा है, वहां पर मेजरली बायोगैस बनाई जा रही है। डिकम्पोजिशन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर का जिससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है जिसमें हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन अगर देखें केरोसिन के साथ। डंग केक और चारकोल से ज्यादा इसमें बायोगैस में थर्मल एफिशिएंसी होती है। बायोगैस प्लांट्स सेटअप किए जाते हैं म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल लेवल पर। इन पावर प्लांट्स में कैटल डंग को यूज किया जाता है जिसको हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। रूरल इंडियाज में ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर। तो इससे फार्मर को दो तरीके से यूज होता है कि एनर्जी मिलती है और बाद में जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट को मैन्योर की तरह यूज कर लेते हैं। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ कैटल डंग, ये बहुत एफिशियंट यूज है कैटल डंग का जिससे हम एनर्जी बना रहे हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर, वो जो मैन्योर जो काउ डंग हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है जो कि प्रिवेंट करती है बहुत सारे ट्रीज को बीमारी से, उनकी डिसीज से। और ये जो लॉस हो रहा था ट्रीज का मैन्योर का जो कि हाउस होल्ड पर्पज के लिए फ्यूल वुड की तरह यूज किया जा रहा था काउ डंग भी, तो इसका भी वहां पे इसको भी वहां पर एफिशियंट वे में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं टाइडल एनर्जी। ओशन में जो टाइड्स आते हैं उनको यूज किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं जहां पर पानी आके हिट करता है जिससे एनर्जी जनरेट होती है। हाई टाइड जब आती है, जब वाटर फ्लो होता है, तो इन डैम्स में जो वाटर इनलेट की जो जगह होती है वहां पे वो पानी एंटर हो जाता है और वहां पे ट्रैप हो जाता है, उसके बाद गेट क्लोज हो जाते हैं। आफ्टर टाइड फॉल, जब टाइड नीचे चले जाते हैं, जब टाइड चले जाती है वापस, तो उस गेट से वो वाटर फिर से वापस चला जाता है सी में पाइप के थ्रू टर्बाइन्स में, फिर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इंडिया में गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में वेस्टर्न कोस्ट पर गंगेटिक डेल्टा में जो कि सुंदरबन है, सुंदरबन रीजन में वेस्ट बंगाल में, इस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है। वहां पर आइडियल कंडीशंस होती है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने की।
जियोथर्मल एनर्जी देखेंगे. जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के इंटीरियर को यूज किया जाता है इस जियोथर्मल एनर्जी को बनाने में. अर्थ के अंदर की जो हीट होती है उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में. जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ. जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, क्रस्ट तक पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे हीट इंक्रीज होती जाती है जिसको यूज करके इस इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी को बनाया जाता है. वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई. जहां पर जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस में अंदर जाते जाएंगे हीट इंक्रीज होती जाएगी और वहां पर जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होंगे वो हाई होंगे. वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, शैलो डेप्थ होगी और वहां पे आइडियल कंडीशंस हो जाएंगी जिससे ये एनर्जी जनरेट हो सकती है. ग्राउंड वाटर सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक एंड बिकम्स हॉट. यहाँ का जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को उन रॉक से और वो भी गर्म हो जाता है. और जब ये पानी अर्थ सरफेस की तरफ ऊपर बढ़ता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर उठता है. ये स्टीम यूज की जाती है टर्बाइन्स को चलाने के लिए जिससे एनर्जी जनरेट होती है. जैसे टाइडल एनर्जी में उस पानी को यूज किया जा रहा था पाइप के थ्रू टर्बाइन को चलाने में जिससे एनर्जी जनरेट हो रही थी. जब पानी अंदर आ रहा था गेट से और बाहर जा रहा था. ऐसे सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग है इंडिया में जहां से इस एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है. दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के लिए. एक लोकेटेड है पारावती वैली में जो कि मणिकरण के पास पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और दूसरा लोकेटेड है कुगा वैली में लद्दाख में. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. हमने एनर्जी देखी किस किस तरह से कैसे कैसे हम एनर्जी मिल रही है, कैसे हम उन्हें जनरेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल वे में. अब बात आती है उनको हम कैसे कंजर्व करेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन को उनको यूज किया जा सके. तो हमें अब कंजर्व करना है इस एनर्जी को ताकि सस्टेनेबल वे तक हम यूज कर सके. एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सारे ही सेक्टर इस एनर्जी से चलाए जाते हैं या रन करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो या वो टर्शियरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो या फिर सेकेंडरी सेक्टर हो. सभी डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के ऊपर. ट्रैक्टर्स हैं वो भी फ्यूल से चलेंगे. इलेक्ट्रिसिटी मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो भी कहां से, एनर्जी सोर्स है. तो ये सारी चीजें सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के ऊपर. जैसे कि ये सभी सेक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट कमर्शियल डोमेस्टिक इन सभी को क्या चाहिए, एनर्जी का इनपुट चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस से. जिनको जरूरत पड़ रही है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की, एज अ रिजल्ट जो कंजप्शन हुआ एनर्जी का हर फॉर्म में वो बढ़ता जा रहा है पूरी कंट्री में. इन द बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट. जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है हमें कोई अर्जेंट ऐसा पाथ भी ढूंढना पड़ेगा, दूसरा ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जहां से हम इस एनर्जी को सस्टेनेबल वे में डेवलप कर सके, जनरेट कर सके, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कर सके, इंक्रीज कर सके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने का ट्विन प्लैक्स बना सके सस्टेनेबल एनर्जी के लिए. इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. वी हैव टू ऑप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स. हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस करने चाहिए, ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जिसमें हमारे पास, हमारी कंट्री के पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, इनको हम अच्छे से यूजफुल मैनर में यूज कर सके ताकि उसका वेस्टेज कम हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो सके. एग्जाम्पल में दिया है कि कंसर्न कीजिए सिटीजन को कि वी कैन डू आर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हमें अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए. लाइट्स को स्विच ऑफ करना चाहिए जब हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं. पावर सेविंग्स डिवाइसेस का यूज करना चाहिए. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको यूज करना चाहिए. आफ्टर ऑल एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस. जितनी एनर्जी हम सेव करेंगे उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि एनर्जी से ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. उन टर्बाइन को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है जो कि खुद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है. तो यहाँ पर यही लिखा है. एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें पहला है एमसीक्यू क्वेश्चंस. इसमें फर्स्ट मैं आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि रॉक्स के डिकम्पोजिशन से बन रहा है और वेदर मटेरियल वहाँ पे रेजिड्यू में बच रहे हैं. तो आंसर है कोल, गोल्ड, जिंक और बॉक्साइट. तो आंसर है बॉक्साइट. हमने चैप्टर में रीड किया है. कोडेरमा जो कि झारखंड का लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन से मिनरल्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉक्साइट, मिका, आयरन और या फिर कॉपर. तो इसका आंसर है मिका. नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स ऑफ डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटा में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. इस तरह के रॉक्स को क्या कहते हैं, ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो इन एक्यूमुलेटेड और डिपॉजिटेड स्ट्रेटास में मिलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस या नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है सेडिमेंटरी रॉक्स. कौन सा ऐसा मिनरल है जो मोनजाइट सैंड में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा थोरियम. अच्छा आंसर देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूस करना है आपको 30 वर्ड्स में फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स को कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को. ये हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है. कोई डाउट आता तो कमेंट करके जरूर पूछेगा. मिनरल्स क्या होते हैं और किस तरह से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स
से मिनरल्स को फॉर्म किया जाता है। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। कोल का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको इंडिया में, जहाँ पे आप सारे स्टेट्स की जहां यहाँ पर ये कोल पाए जाते हैं उनको मैप पे प्लॉट करेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे और ये बताएंगे कौन कौन सी क्वालिटी के कोल होते हैं, जिसमें हमने तीन टाइप के पढ़े थे और उन तीनों की अवेलेबिलिटी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, क्वालिटी बतानी है स्टेट्स के अकॉर्डिंग। व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो इंडिया का ब्राइट फ्यूचर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोलर एनर्जी है जो कि इनडेफिनेट अमाउंट में अवेलेबल है और अगर हम उसको अच्छे से यूज करें तो हम बहुत सारी एनर्जी उसे जनरेट कर सकते हैं जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट आता है किसी वीडियो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक।